बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। समाचार सुपर फास्ट में देखेंगे बिहार व देश विदेश की 20 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,88,00,000 को किया पार, वही मरने वालों का आंकड़ा 10,98,000। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,09,000, वही मरने वालों का आंकड़ा 1,11,000 को किया पार। बिहार में 1,276 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,13,537 हो गई। बलिया की घटना पर कांग्रेस ने कहा कि यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस प्राप्त है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बारिश और बाढ़ के कारण राज्य का 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की 2 महीने की अंतरिम जमानत का आदेश रद्द कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक हुई, इस बैठक में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। तेलंगाना में भारी बारिश से 9 और लोगों की मौत, अब तक कुल 24 लोगों की गई जाने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से रुचिर मोदी की विदाई, जितेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया। माँ वैष्णो देवी के लाइव दर्शन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और IMAI को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। दिल्ली में अकाली दल के नेताओं ने किसान कानून के विरोध में कृषि भवन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में आज 6 दलों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाने पर बात हुई। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर देश को संबोधित करेंगे। हाथरस कांड में आरोपियों के घर पहुंचकर CBI की टीम ने पूछताछ की। हैदराबाद में हुए बारिश से भारी नुकसान पर CM ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि उन्हें जनता का मूड पता चले। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड स्थित ओम साई जेवरात की दुकान में चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर लगभग 25,00,000 रुपये की चोरी कर ली। लोजपा अगले 2 दिनों में दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर देगी। फिलहाल पार्टी की ओर से विभिन्न विधानसभा के लिए सिंबल देना शुरू कर दिया है। पूर्व मध्य रेल ने आगामी त्योहारों में यात्रियों की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न स्टेशनों से खुलने, पहुँचने और गुजरने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगी। महागठबंधन से माकपा के अजय कुमार ने समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा से पर्चा दाखिल किया। नामांकन में हजारों समर्थकों के साथ माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने भी भाग लिया। बक्सर से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी ने वहां से NDA के भाजपा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी को पेटू व शराबी कहा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या के तार अब मुंगेर से जुड़ रहे हैं। इस मामले की तफ्तीश करने बंगाल पुलिस मुंगेर जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबका शासन का नारा देने वाली नवगठित प्लूरल्स पार्टी ने दूसरे चरण के तहत होने वाले 94 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के तहत 24 उम्मीदवारों को सिंबल बांटा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार भाजपा ने नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है। इस बार 1/4 से अधिक 30 उम्मीदवारों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान भी यही चाहते थे, उन्होंने ही अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था। PM मोदी के हमसकल अभिनंदन भी बिहार के चुनावी मैदान में हैं। वह गोपालगंज जिले के हथुआ सीट से उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि इस बार उन्होंने विधायकी के साथ साथ CM पद के लिए भी ताल ठोक दी है। सुपौल जिले के छातापुर से भाजपा के विधायक सह भाजपा उम्मीदवार नीरज सिंह बबलू को बीते दिन जनसंपर्क के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई है। इसके बाद स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया है।
जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन, शरद यादव की बेटी सुहासिनी तथा आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, ये सभी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पिता या पति पार्टी के सब कुछ हैं, लेकिन जब चुनाव मैदान में जाना होता है तो दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। जदयू के विधायक और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी बोगो सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ विवादित बयान दिया है। बोगो सिंह ने कन्हैया को बंदर तक कह दिया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चकाई विधानसभा क्षेत्र के लिए पैरा मटिहान, सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए अमरपुर, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए शेखोपुर सराय तथा पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए पालीगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को साफ किया कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। हमारी कोशिश है कि देश के तर्ज पर राज्य में भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। मैं भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहता हूं। बिहार के लखीसराय जिले में रह रहे उत्तर प्रदेश से भागे प्रेमी युवक ने पुलिस को देख कर गिरफ्तारी से बचने के लिए छत से कूद कर भागने की कोशिश की। इस घटना में जहाँ गंभीर रूप से घायल प्रेमी की मौत हो गई है, वहीं गंभीर रूप से घायल प्रेमी का पटना के PMCH में भर्ती है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी ने चुनाव चिन्ह के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। प्लूरल्स पार्टी ने शतरंज बोर्ड या पार्टी द्वारा चुने गए किसी भी अन्य स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आवंटन के बारे में चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। बिहार चुनाव में इस बार गठबंधनों की संख्या ही नहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या भी काफी ज्यादा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार CM पद के 6 दावेदार हैं। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। bihardainik.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यूट्यूब के अलावे आप हमारी खबरों को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पढ़ सकते हैं। कल मिलेंगे बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में। तब तक के लिए प्रीतम कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।